हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से सामान्य जीवन में अस्त व्यस्त रहा। इससे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ठंड और बढ़ गई है। आईएमडी ने पूरे भारत में फरवरी में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के आदिवासी इलाकों और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में साल की पहली भारी बर्फबारी के कारण सामान्य जनजीवन बाधित हुआ। स्थानीय मौसम कार्यालय ने 5 जिलों शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल और स्पीति में भारी हिमपात और बारिश की ऑरेंज चेतावनी जारी की है। बर्फबारी के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है। इसके अतिरिक्त पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है, जो 3 से 4 फरवरी तक छिटपुट बारिश के रूप में जारी रह सकती है। आज के मौसम की संभावित गतिविधि। मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आज 2 से 5 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय के पहाड़ों पर व्यापक बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। 3 फरवरी से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो सकती हैं और 5 फरवरी तक जारी रह सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश में 4 और 5 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, ओडिशा, दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश संभव है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है।